Okay, good morning class 5th students, subject English. This is lecture number 27 and today is June 23rd. Okay, continuing with our reading of lesson number 4, In Rhino Land. Guys, turn to page number 47, third paragraph. So everyone now look at your books and follow me attentively. Okay, sometimes we walk into one of the four major rivers in our park. The Brahmaputra water is cool and comfortable on a hot day. It is winter now, but the afternoons are still very warm. I think Raina and I will have a little fun in the Brahmaputra today. Okay, here the mother rhino is the speaker. यहाँ पे बोलने वाला बोलने वाले है मदर राइनो, ठीक है. वो कह रही है कि कभी कभार इस पार्ट में से बहते हुए चार मेन दरिया में से एक के अंदर हम नहाने और घूमने के लिए जाया करते हैं. ये ब्रह्मपुत्र दरिया के पानी काफ़ी ठंडा और आरामदायक होते हैं समर के दिनों में. वैसे अभी तो विंटर सीजन है, फिर भी दोपहर को मौसम काफ़ी गर्म रहते हैं. और आज मैं और बेबी राइना इस ब्रह्मपुत्र दरिया के पानी में थोड़ा मस्ती करेंगे, ठीक है. ये बोल रहे हैं मदर राइनो. ओके, आगे पढ़ते हैं. बट सिंस शी इज ओनली अ ईयर ओल्ड, आई विल टेक हर टू अ सेफ स्पॉट away from the place where the larger animals gather. At the moment, I can spot a wild boar and an agitic water buffalo. But otherwise, we are surrounded only by a hornbill, an Assam-roofed turtle, and a family of monitor lizards. Okay, आगे मदर राइनो कह रही है कि लेकिन अभी राइना सिर्फ एक साल के है, इसलिए मैं उसे एक सुरक्षित जगह पे ले जाऊंगी उस जगह से दूर जहाँ बड़े बड़े जानवर इकट्ठे होते हैं. वैसे अभी मुझे एक वाइल्ड बॉर मतलब है एक जंगली सुअर और एक एजिटिक मतलब पानी में पाए जाने वाले भैंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं. वैसे तो हमारे आसपास सिर्फ एक हॉर्नबिल, एक असम में पाए जाने वाले टर्टल यानी कछुआ और मॉनिटर लिजर्ड के एक झुंड ही होते हैं. ओके, यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड एक बड़े साइज वाले छिपकली के स्पीसीज के नाम है, ठीक है. ओके, आगे पढ़ते हैं. The river is lovely to wade in, but it also reminds me of the endless rain and the floods of last year. More than 3/4 of the park was flooded, and we had to rush outside the southern border. Several of us moved to the higher regions of Mikir Hills. Okay, अब आगे मदर राइनो कह रहे हैं कि हमें इस दरिया के अंदर तैरने में काफ़ी मज़े आते हैं और साथ ही साथ मुझे पिछले साल के ना रुकने वाले बारिश और फ्लड यानी बाढ़ के भी याद दिलाती है. और पिछले साल इस पार्क के तकरीबन 3/4 से ज़्यादा हिस्सा यहाँ की जगह पानी से पूरे भरे थे, जिसके वजह से हमें इस पार्क के सदर्न बॉर्डर के बाहर जाना पड़ा. हम में से कुछ लोग मिखिर हिल्स के ऊंचे वाले स्थान पे भी गए थे, ठीक है. ओके, आगे. माय फ्रेंड झुमकी टोल्ड मी यस्टरडे दैट द इंडियन आर्मी हैज नाउ कंस्ट्रक्टेड रेस्ट सेक्शन और चारपोड़ीज फॉर अस. आई एम सो ग्लैड वी कैन बी सेफ ऑन टॉप ऑफ दिस चारपोड़ीज if it rains too much this year.
ओके आगे मदर राइनो कह रहे हैं कि उसके दोस्त झुमकी कल मुझे बोल रही थी कि हाल ही में इंडियन आर्मी के लोगों ने पार्क के अंदर जानवरों को रेनी सीजन में रहने के लिए ऊंचे स्थान बनाया है जिसको हम चारपोरिस कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अभी मैं काफ़ी खुश हूँ। इस साल भी अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो हम इस चारपोरिस के ऊपर बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए रीडिंग बस यहीं तक। फॉर होमवर्क, राइट डाउन ऑल द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन ऑन योर फेयर कॉपीज। सो टिल देन, गुड बाय टू यू ऑल। टेक केयर एंड स्टे सेफ एट होम।